ये जो स्पर्म्स जो जब एपिडेडायमिस के अंदर जाता है तो इनका मैचूरेशन होता है बट ये जो जेनाइटल डक्ट्स हैं दैट इज़ एपिडेडाइमिस और वॉस डिफरेंस है इनकी जो एपीथीलिया होती है फिर एपीथीलियल सेल्स होती हैं वो कुछ सब्सटेंसेज रिलीज करती हैं लाइक इनिबिट्री फैक्टर्स एंड कोलेस्ट्रॉल रिलीज करते हैं ये इनिबिट्री फैक्टर और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इस स्पर्म की स्पर्म uh, की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है सी so ये जो एपीथीलियल सेल्स होते हैं ना ये जो जेनाइटल डक्ट्स होते हैं ना इनके अंदर एक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल के वेसाइकल्स का जिसकी वजह से कंटिन्यूसली कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता रहता है स्पर्म के अंदर सो so, ये एक मेच्योर स्पर्म है जिसके ऊपर अटैच्ड इन फैक्टर्स और कोलेस्ट्रॉल हम लोग को दिख रहा है ये इनिबेटरी फैक्टर्स और कोलेस्ट्रॉल जो कि स्पर्म के ऊपर अटैच हो जाता है ये स्पर्म की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है जिसको हम लोग कहते हैं डीकेपेसिटेशन ऑफ स्पर्म नाउ ये इनिबेटरी फैक्टर्स और कोलेस्ट्रॉल का मेन काम क्या होता है ये कैसे डीकेपेसिटेशन ऑफ स्पर्म करता है तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना स्पेशली जो एक्रोसोम के ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको टफेन कर देता है प्रिवेंट कर देता है रिलीज ऑफ एंजाइम फ्रॉम द एक्रोसोम एक्रोसोम के ऊपर की मेम्ब्रेन अगर टफेन हो जाएगी तो यहाँ से एक्रोसोम से एंजाइम का रिलीज होना ईजी नहीं हो पाएगा इस वजह से ये प्रिवेंट करता है रिलीज़ ऑफ एंजाइम फ्रॉम द एक्रोसोम को और साथ ही साथ ये मोर्लिटी ऑफ द स्पर्म को भी डिक्रीज कर देता है सो so, ये सारी चीजें करके ये निबेट्री फैक्टर और कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीजें करके स्पर्म्स की एक्टिविटी को फाइनली कम कर दिया इसने जिसको हमने कहा डीकेपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अब जैसे ही ये स्पर्म कांटेक्ट में आता है फ्लूइड्स इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के कांटेक्ट में जैसे ही ये स्पर्म आता है तो जो यूट्राइन ट्यूब के और फेलोपियन ट्यूब के सॉरी यूट्राइन कैविटी और फेलोपियन ट्यूब के जो फ्लूइड्स होते हैं उन वो क्या करते हैं इस स्पर्म्स का कैपेसिटेशन करते हैं अब कैपेसिटेशन में क्या किया जाता है इनिबेटरी फैक्टर्स को इनिबेटरी फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है जो कि इसको इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करने का काम कर रहे थे उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये स्पर्म वेजाइना में होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का एन्वायरमेंट खत्म हो जाता है क्योंकि जब ये स्पर्म इसके पहले जेनाइटल डक्ट्स में रहते थे तो जेनाइटल डक्स में कंटिन्यूस इन्वायरमेंट रहता था कोलेस्ट्रॉल का जिसके वजह से कंटिन्यूसली डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता रहता था स्पर्म के आ, स्पर्म के आ, स्पर्म के सरफेस पे बट जैसे ही ये वेजाइना में एंटर करते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का एन्वायरमेंट खत्म हो जाता है और जैसे ही ये यूटराइन कैविटी में एंटर करते हैं तो यूटराइन कैविटी में जो फ्लूड प्रेजेंट होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देते हैं सो so, हमने इनिबेटरी फैक्टर्स को रिमूव कर दिया कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर दिया तीसरा चीज इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज स्पर्म की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है कैल्शियम के लिए सो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी फॉर कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है फ्लैजलम में जिसकी वजह से पावर ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है ये जो इसका टेल पार्ट था जिसको हम लोग फ्लैजलम कहते थे उसका पावर ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कैपेसिटेशन के दौरान ये जो मेम्ब्रेन होती है स्पर्म की उसकी परमिएबिलिटी कैल्शियम के लिए इंक्रीज कर दी जाती है और कैल्शियम के लिए जैसे ही परमिबिलिटी इंक्रीज कर दी जाती है तो कैल्शियम अंदर की तरफ आता है ये कैल्शियम अंदर की तरफ आने के बाद फ्लैजलम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देता है जिसकी वजह से पावर ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है और कैल्शियम दूसरा काम ये करता है कि ये मेम्ब्रेन को वीकन करने का काम करता है जो कि एक्रोसोम को कवर कर रही थी ताकि एक्रोसोम से एंजाइम निकलना अब ईजी हो जाए तो ये तीनों चीजें करके दैट इज इनिबेटरी फैक्टर्स का रिमूव करके कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करके और मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी कैल्शियम के लिए से इंक्रीज करवा के ताकि मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए और ताकि जो मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही थी एक्रोसोम को वो वीक हो जाए ये सारी प्रोसेसिस को मिला करके हम लोग कहते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पम जो कि होती कहाँ पे है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होती है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड्स प्रेजेंट इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट नाउ आफ्टर कैपेसिटेशन ऑफ कैपेसीपर्म एक बार स्पर्म कैपेसिटेट हो जाती है यहां पे कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म हो जाता है तो हमें पता है कि स्पर्म जो होता है वो अंदर की तरफ यूडरस के तरफ और फेलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है क्यों क्योंकि स्पर्म जब सीमेन के अंदर आता है तो सीमेन के अंदर वेरियस प्रोस्टाग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ फीमेल ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रोस्टागलैंड और ऑक्सीटोसिन जो होते हैं वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं जिसकी वजह से रेट्रो डायरेक्शन में दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में ये स्पर्म्स का मूवमेंट होता है अब आफ्टर कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म लूज फाइनली हम लोग को एज ए रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जो मेम्बरीन जो कि पहले टफ थी वो अब लूज हो जाती है दैट इज लूजिंग ऑफ द मेम्बरीन देखने को मिलता है पहले रिलीज ऑफ द एंजाइम को प्रिवेंट किया जा रहा था एक्रोसोम से क्योंकि मेम्बरीन बहुत ही टफ थी अब इन्हेंस हो जाती है ये रिलीज ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द एक्रोसोम बहुत ही ईजी हो जाता है रिलीज ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द एक्रोसोम क्योंकि अब मेम्ब्रेन जो हो चुकी है वो बहुत ही लूज हो चुकी है इसके बाद पहले जो इनिबेटरी फैक्टर्स और कोलेस्ट्रॉल थे वो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म को कम कर रहे थे बट अब आफ्टर कैपेसिटेशन मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इंक्रीज हो जाती है सो दीज वेयर द थिंग्स डेट जो कि डी कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स की, की वजह से हुआ था और ये सारी चीज़ें थी जो कि कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म की, की वजह से हो गई सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस वी विल बी डिस्कसिंग इज द एक्रोसोम रिएक्शन एक्रोसोम रिएक्शन एक्चुअली में एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म और रिसेप्टर्स ऑन द जोना पेलोसिडा ऑफ द ओवम ओवम की जो जोना पेलोसिडा की जो लेयर थी जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर ग्लाइको थी जिसको ऊसाइट और ग्रेनुलोसा सेल्स दोनों से क्रिएट करते थे उस जोना पेलोसिडा की लेयर पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर्स और एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म के बीच की रिएक्शन होती है जिसको हम लोग एक्रोसोम रिएक्शन कहते हैं एक्रोसोम के अंदर वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्पेशली एंजाइम प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ये एंजाइम्स जो होती हैं इसमें से स्पेशली एंजाइम जो होता है वो जो जैसे लाइक like, ये एक सेकेंडरी ओसाइट है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है जिसको जोना पेलोसिडा कहा गया एंड दिस इज द ग्रेनुलोसा सेल्स दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल्स जो कि कोरोना रेडिएटा के फॉर्म में अरेंजड होती है क्लियर अब जैसे ही स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा स्पर्म पहुंच गया हमारा फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाला रीजन में जहां पे उसको फर्टिलाइजेशन करना है जैसे ही स्पर्म इसके अंदर पहुंचेगा तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में इंटर सेल्यर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ये जो इंटर सेल्यर सीमेंट या फिर इंटरसेल्यर मैट्रिक्स है इसको सबसे पहले इसको डिजोल्व करना पड़ेगा ताकि ये अंदर की तरफ जा सके ये जो इंटरसेलर सीमेंट है वो बना होता है हाइलोनिक एसिड हाइलोनिक एसिड पॉलीमर का बना होता है और ये हायरोनिक एसिड पॉलीमर को डिपोलिमराइज करने का काम करता है स्पर्म के एक्रोसोम में प्रेजेंट हाइलोरिडेस सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइलोनि प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इट डिपोलिमराइजेज द हाइलोरिनिक एसिड पॉलीमर इन द इंटर इंटरसेलर सीमेंट दैट होल्ड्स होल्ड द्रेनोलोसा सेल्स टूगेदर सो so, और सेकेंड जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं वो इसके अंदर कुछ प्रेजेंट प्रेजेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करती है सो so, अल्टीमेटली ये इंटर, इंटर सेल्यूर सीमेंट जो था वो हाइलोरिक एसिड के पॉलीमर से बना था और कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट से बना था तो स्पर्म को अगर अंदर की तरफ जाना है तो इन दोनों को उनको डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो हाइलोनिक एसिड के पॉलीमर को डिपोलीमराइज करने का काम करता है हाइलोनोडेज एंजाइम जो कि एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है और स्ट्रक्चरल एलिमेंट के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है प्रोट्योलिटिक एंजाइम्स जो कि वन सेकेंड एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है आफ्टर दिस ये जो स्पर्म होता है वो अंदर की तरफ पहुंच जाता है बट ये जो था ये एक्रोसोम रिएक्शन नहीं था ये स्पर्म का एंट्री था टुवर्ड्स द सेकेंडरी ओसाइट और टुवर्ड्स द ओवन अब हम लोग देखेंगे कि एक्रोसोम रिएक्शन मेनली होता क्या है ये रिएक्शन जो है एक्रोसोम रिएक्शन मेनली होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये हमारी एक सेकेंडरी ओसाइट है जो कि रिलीज हुई है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन और ये इसके बाहर ये जो रेड कलर की कवरिंग है इसको हम लोग कहते हैं जोना पेलोसिडा ये जोना पेलोसिडा के बाहर ये जो प्रेजेंट है दीज आर द ग्रेन्यूलोसा सेल्स जो कि पहले कोरोना रेडिएटा के फॉर्म में अरेंजड थी बट जैसे ही स्पर्म आया तो इसके अंदर इसने इंटर सेलर मैट्रिक्स को डिजोल्व कर दिया जिसकी वजह से ये ग्रेनुलोसा सेल्स और ज्यादा लूजन हो गई हैं और स्पर्म की एंट्री और ज्यादा ईजी हो गई है ये जो जोना पेलोसिडा होता है इस जोना पेलोसिडा के सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे जिसमें से स्पेसिफिक एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेलोसिडा टाइप थ्री रिसेप्टर ये जोना पेलोसिडा टाइप थ्री रिसेप्टर और ये जो एक्रोसोम आता है स्पर्म का जो ये स्पर्म आता है उसका एक्रोसोम इन जोना पेलोसिडा टाइप थ्री रिसेप्टर के साथ जा करके इंटरैक्ट करता है इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन सो ये एक्रोसोम जैसे ही जोना पेलोसिडा टाइप थ्री रिसेप्टर के साथ जा करके इंटरैक्ट करता है स्पर्म ये जो एक्रोसोम होता है उनसे बहुत सारे स्पर्म लाइसेंस का रिलीज होता है लाइक एक्रोसिन प्रोटीज और भी बहुत सारे एंजाइम्स का यहाँ से रिलीज होता है ये जो स्पर्म लाइसेंस रिलीज हुए इसी ये होते हैं पार्ट एक्रोसोम रिएक्शन के तो एक्रोसोम रिएक्शन के प्रोडक्ट में हमें स्पर्म लाइसेंस मिला जो कि यहां से रिलीज हुआ कहाँ से एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म से रिलीज हुआ अब ये जो स्पर्म लाइसेंस होते हैं इनका ये जो एक्रोसोम रिएक्शन हुआ इसकी वजह से दो चीजें होती है एक तो पिनीट्रेटिंग पाथवे बनता है जोना पेलोसिडा में फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ का जो ग्लाइको प्रोटीन होता है वहाँ पे एक पीनिट्रेटिंग पाथवे बन जाता है ताकि ये स्पम इसके अंदर जा करके एंटर कर सके लाइक like इधर हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द पिनिट्रेटिंग पाथवे विच इज फॉर्म्ड फॉर द पैसेज ऑफ द स्पम तो इस एक्रोसोम रिएक्शन की वजह से जो स्पर्म लाइसेंस इंक्रीज रिलीज हुए ये एक पिनिट्रेटिंग पाथवे डेवलप करते हैं फॉर द पैसेज ऑफ द स्पम इन द जोना पेलोसिडा सेकेंड एक्रोसोम रिएक्शन की वजह से क्या होता है कैल्शियम का जैसे ही ये इस जोना पेलोसिडा के साथ इंटरेक्ट करते हैं ये स्पम्प दैट इज जैसे ही एक्रोसोम रिएक्शन होता है कैल्शियम का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है या तो कैल्शियम आयन चैनल्स के थ्रू अंदर आने लगते हैं या तो अंदर प्रेजेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम जो अंदर की तरफ अंदर में प्रेजेंट होता है दैट इज इंटर कैल्शियम जो होता है इंट्रा कैल्शियम वो इंक्रीज हो जाता है और ये कैल्शियम जो हो जाता है वो हम लोग देखेंगे कि लाइजोजोम को स्टमुलेट करता है टू रिलीज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाय एक्सोसाइटोसिस सो दीज आर द लाइजोजोम जिनके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ये कैल्शियम इन लाइजोजोम्स को स्टमुलेट करेगा ताकि वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इन कॉर्टिकल uh, ग्रोन्यूल्स को रिलीज कर सके सो एक्रोसोम रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से एक पेनिट्रेटिंग पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म डेवलप हुआ इन द इन द जोना पेलोसिटा और सेकेंड चीज़ ये हुआ कि ये कैल्शियम जो था जो कि इसके अंदर इंक्रीज हुआ वो कैल्शियम लाइजोजोम को स्टिमुलेट कर करके और इनसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का रिलीज करवाया इसने साथ ही साथ जैसे ही अब ये पेनिट्रेटिंग पाथवे डेवलप हुआ और जैसे ही स्पर्म जा कर के टच करता है ऊसाइड की मेम्ब्रेन को तो जैसे ही ऊसाइड की मेम्ब्रेन को ये टच करता है यहाँ पे जो एरेस्टेड म्यो, एरेस्टेड म्यूसिस टू था इन द मेटाफेस सेकेंड तो जो मेटाफेस मेटाफेज में एरेस्टेड जो हमारा ओवम था वो फाइनली अपना म्योसिस टू कंप्लीट कर लेता है तो जैसे ही स्पम जाकर के इस उइड को टच किया म्योसिस टू भी कंप्लीट हो गया साथ ही साथ यहाँ से लाइजोजोम से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का रिलीज भी हुआ अब ये जो लाइजोजोम से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का रिलीज होता है इसका फंक्शन क्या होता है सो so, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द लाइजोजोम दे फॉर्म्स अप दे फॉर्म्स द परमिएशन ऑफ ऑल द पोर्स ऑफ द जोना पेलोसिडा ये पूरा जोना पेलोसिडा की लेयर को ही क्या कर देते हैं ये परमिएट कर देते हैं जिसकी वजह से एडिशनल स्पर्म्स अब इसमें बाइंड नहीं कर सकते हैं और एडिशनल स्पर्म्स नहीं बाइंड कर सकते हैं और जो भी ऑलरेडी बाइंडेड स्पर्म्स होते हैं वो भी फॉल हो जाते हैं यहाँ से जिसका जिसकी वजह से पॉलिस हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एक उ को या फिर एक ओवम को वेरियस स्पम्स एक साथ फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो जोना पेलीसिडा को पूरी की तरह परमिएट कर देते हैं जिस वजह से एडिशनल स्पम अब इससे बाइंड नहीं कर सकते हैं और फाइनली जो स्पर्म होता है जो इससे पहले से बाइंडेड होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं जिसकी वजह से पोलीस्पर्म नहीं हो पाता है और जो इस्पा मंदिर तक जा चुका था उसका जो न्यूक्लियस होता है वो फाइनली इस ओवम के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और इस फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको पहले से हम लोग कहते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस और जो मेल का न्यूक्लियस एंटर करता है उसको हम लोग कहते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस और ये फीमेल प्रो न्यूक्लियस और मेल प्रो न्यूक्लियस के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और फाइनली एज ए रिजल्ट डिप्लॉयड जाइगोड देखने को मिलता है सो दिस वॉज द कंप्लीटली अबाउट द एक्रोसोम रिएक्शन So this was all about uh, this video if you want notes for the following video you can message me on my instagram handle link is given in the description below if you like this video please hit the like button do share with your friends and do subscribe our channel and press the bell icon to get notifications you can also follow us on instagram and facebook link is given in the description below thank you